इमरान खान को तहरीक आदम एतमाद के जरिए हटाया गया। इमरान खान हमारी नजर में सेलेक्टेड वजीर आजम था। पीडीएम जमातों ने पाकिस्तान की मशीत को डिफॉल्ट होने से बचाया। आज की पार्लियामेंट पासी के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। तमाम सियासी जमातों को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए एक पेज पर आना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आसमां जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नैब कवानीन को खत्म करने का मुतालिबा। कहा कि नैब का जब तक कानून मौजूद है पाकिस्तान फाल नहीं हो सकता। एहतसाब के लिए और भी इदारे मौजूद हैं। आईने पाकिस्तान अवाम के हकूक के तहफ़ और तनाजात के हल के लिए है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का आसमां जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पहले वजारत कानून ने जबरी गुमशुदगी का मुत्तफिका तौर पर बिल पास किया है। हाथी को कमरे से नहीं निकालेंगे तो मसला हल नहीं होगा। आइन और कवानीन शख्सी आजादी की गारंटी देते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसमां जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। 75 साल बाद भी हम मुल्क के निजाम हुकूमत के मामले पर तजब्ब का शिकार है। किसी ने गलत को गलत कहने का हौसला नहीं। जब पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट बना तो रियासत के तकाजे बदल गए। आसमां जहांगीर कॉन्फ्रेंस से सेंटर रजा रबानी का खिताब। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि सियासी जमातों को डायलॉग के जरिए आगे बढ़ना होगा। इदारों को मजबूत बनाने के लिए सियासतदानों को आपस की लड़ाइयां खत्म करना होगी। सिविल इदारों की कमजोरी तमाम बहरानों को जन्म देने का सबब बन रही है। सेनेटर अली जफर का इमरान खान की नहली को गैर कानूनी करार देने का मुतालिबा। आवारी होटल में आसमां जहांगीर कॉन्फ्रेंस का खिताब में कहा कि तमाम बार्स को सियासी वाबस्तगी को बलाएताक रख कर गैर कानूनी फैसलों की मुखालफत करना होगी। मार्शल लॉ के खिलाफ अकेली अदलिया कुछ नहीं कर सकती। सिविल सोसाइटी पार्लियामान और अदलिया को मिलकर किरदार अदा करना होगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बैकडोर राब्तों का मामला। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुजाकरात में डेडलॉक। हुकूमत ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख देने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने हुकूमती इनकार के बाद बैकडोर मुजाकरात खत्म कर दिए। पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने के लिए मुशावरत तेज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तफसीली फैसला जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन नूली के मुफाद के लिए काम कर रहा है। 5 मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन में ताखिर से नूली को फायदा पहुंचाया गया। 10 का इलेक्शन में बदमनी नूली ने फैला। सेनेटर एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसरत जमशेद चीमा बोली, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 3 घड़ियां तोहफे में मिली। 12 करोड़ की गाड़ी आसिफ अली जरदारी ने 1 करोड़ और चंद लाख रुपए में बेची। पीटीआई रहनुमाओं का हुकूमत से 30 साल का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का भी मुतालिबा। तारीखी लॉन्ग मार्च क्रब टोले के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को माइनस करने की माफिया की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हमारा मुकाबला फस्तायत की सोच रखने वाले करप्ट माफिया से है। इमरान खान जुमेरात या जुमा को हकीकी आजादी मार्च का ऐलान करेंगे। मियां असलम इकबाल ने PP 151 में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर के तकरर का मामला। पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज को ओपोजिशन लीडर मुकरर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तन खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की तब्दीली के बाद ओपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। अकलियती बरादरी के लिए आला तालीमी इदारों में 2% कोटा मुकर्रर किया गया है। अकलियतों के हकूक की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। हिंदू बरादरी समेत तमाम अकलियतों को यकसा हकूक हासिल हैं। दिवाली के त्यौहार की मुनासबत से वजीर आला ऑफिस में खसूसी तकरीब। चौधरी परवेज इलाही ने हिंदू और दीगर अकलियती बरादरियों के साथ मिलकर केक काटा।
लाहौर की फिजा बदस्तूर आलूदगी की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 तक पहुंच गया। जोहर टाउन में AQI 167 रिकॉर्ड। अनारकली बाजार में AQI 165 पाया गया। महकमे माहौलियात के मुताबिक आलूदगी की शरह मजीद भरने का खदशा। स्मोक के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। ट्रैफिक पुलिस के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करवाया जाने लगा। सीटी लाहौर मुंतजिर मेहंदी कहते हैं खसूसी नाकों से क्रैकडाउन यकीनी बनाया जा रहा है। कारोबारी हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर 1% महंगा। इंटरबैंक डॉलर 220.84 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5% सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 224.90 रुपए पर ट्रेड होता रहा। सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोकर की जेर सदारत इंसदादे जराइम मीटिंग। शहर में जराइम और अमन अमान की मजमू सूरत हाल का जायजा लिया। सरबरा लाहौर पुलिस की मनशा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत कहते हैं असलहा की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। मैरिट पर तफ्तीश से केसेस जल्द यकसू किए जाए। जमीन डॉट कॉम की जानिब से निशात होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद। 45,000 सरमायाकारी के मंसूबे पेश किए गए। शहरी ने जमीन डॉट कॉम के प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट में भरपूर दिलचस्पी ली। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लाइक इफ्तकार ने कहा इवेंट से मुनाफा बख्श सरमायाकारी के मौके सामने लाते हैं।